जो झंडे लेके आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए घर से निकले, एक एक कदम हमारे सर माथे पर, सबको मेरी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, आपका इतनी भारी संख्या में बाहर निकलना इस बात का संकेत है कि आप नई कहानी लिखना चाहते हो हरियाणा में। बहुत हो गया, अनगिनत साल हो गए इनको राज करते हुए, हम भी भूल गए कितनी बार इनको वोट दिया, कोई पार्टी नहीं छोड़ी, हर एक पार्टी को चेक किया, टेस्ट किया, लेकिन हर एक पार्टी ने दिल तोड़ा, हर एक पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया। अब बहुत हो गया, अगर बीमारी किसी डॉक्टर से ठीक ना होती हो तो डॉक्टर बदल लेना चाहिए। इस बार आप बदलाव के लिए बाहर निकलें, कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान ने हरियाणा को या पंजाब को, धरती हमारी एक जैसी है, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं हम लोग, इतनी उपजाऊ धरती है, जो मर्जी बीज दो उग जाता है। कौम हमारी मेहनती है, दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं हम, थकने वाले लोग नहीं है, थकावट नहीं होती हमें। सब कुछ दिया, हर किस्म का मौसम हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन सच्ची और अच्छी नीयत वाले नेता नहीं मिले जो आगे लगे और हमको लीड करें और आगे लेके जाएं। जितने भी नेता है उतनों सबने अपने घर को देखा, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने साले, अपने जीजे, इससे आगे बढ़े ही नहीं, आम जनता का ख्याल ही नहीं किया। तो ये चीज को बदलना चाहते हैं। आपके दाएं साइड पे यानी के साउथ, दक्षिण साइड पे दिल्ली है, उत्तर साइड पे पंजाब है, फोन करके पूछ लेना, यहां से टोहाना, ये जाखल, ये मूनक आपके साथ भी लगते हैं सारे, फोन करके पूछ लेना पंजाब के किसी रिश्तेदार से या दोस्त मित्र से कि ढाई साल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, नौकरियां कितनी मिल गई, 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, एक रुपया भी रिश्वत का नहीं मिला, पूछ लेना, पूरे मीडिया में यह बात जा रही है, 43,000 में से एक बंदा बता दे कि इस नौकरी के लिए मुझे एक रुपये की चाय पिलानी पड़ी, फलां फलां एमएलए को चाय पिलानी पड़ी एक रुपये की। तो भाई साहब, मैं जिम्मेदार अपने आप को मानूंगा, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं। आम घरों के बेटे बेटियों ने पेपर दिए, पेपर में नंबर आए और उनके घर पे चिट्ठी आई कि आ जाओ जी, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आप अफसर बन गए, आप पटवारी बन गए, आप डीएसपी बन गए, आप एसडीओ बन गए। और पंजाब में पेपर लीक भी नहीं होता जैसे यहां होते हैं ना, हर पेपर लीक, तो युवाओं का दिल टूट जाता है। पेपर पेपर फूटा बोलते हैं इसको, पेपर फूटा सपना टूटा, पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं, हम लोग हम इकट्ठे ही थे पहले, चलो अलग अलग हो गए, लेकिन दिल तो एक ही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने अनाउंस किया था, गारंटी दी थी, जो आज आपको भी गारंटी देके जा रहे हैं
कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा, आपके घरों में बिजली 24 घंटे आएगी लेकिन बिल नहीं आएगा, तो विपक्ष वाले कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, पैसे कहां से लाओगे। 16 मार्च 2022 को पंजाब की सरकार बनी, जुलाई में हमने फैसला कर दिया, आज